इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान भोपाल राजेंद्र जैन TI श्रीमती अनीता जैन आकाश जैन कृति जैन प्रिंस जैन पूजा जैन भोपाल संजय जैन मुंगावली संध्या जैन सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश संपर्क सूत्र अभिषेक जैन महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। जब कमरे से बाहर निकलेंगे तो पहले मोबाइल देखेंगे और जाएंगे तो मोबाइल हाथ में लेके जाएंगे या किसी दूसरे को पकड़ाएंगे कि भाई पकड़ो मोबाइल, और मोबाइल जिसको पकड़ा दिया वो इधर उधर हो जाए कहीं तो क्या होगा है? और फिर मोबाइल जिसको पकड़ाया था अब उस कहीं निकल जाएगा तो एक आध घंटे नहीं आए, वो आहार का समय हो गया हो तो आहार नहीं अच्छा लगेगा क्यों? दिमाग मोबाइल में लगा है, नहीं किसी को देंगे तो ताली कुछ ही संगे ले जाने पड़ेगी। बताओ करना करना भाई करना पड़ेगा या खास ऐसा चेला संगे रखना पड़ेगा एक जो 24 घंटे तुम्हारी मोबाइल और तुम्हारी व्यवस्था देखता रहे। वो आजकल चेले भी बड़े होशियार होते हैं, वो 2-4-6 महीने तुम्हारे साथ में रहेंगे और धीरे से तुम्हारा मैंने कि महाराज के पास माल तो यही कह ले चलो महाराज कौन सी रिपोर्ट करने जा रहे हैं, और फिर संकलेश होगा। परिग्रह दुख का कारण है, साधन दुख के कारण है, सुख के कारण नहीं हो सकते हैं। मोबाइल में सारे नंबर फीड हैं संपर्क सूत्र लोगों के भक्तों के, अब मोबाइल खो जाए तो क्या होगा? मन में संकलेश प्रणाम हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए योगियों को ऐसे साधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनसे मन विचलित होता हो। मन में शांति हो, मन ठहरता हो, आत्मा के ध्यान में लीन रहे, ऐसे साधनों का उपयोग तो करें, ऐसे साधनों का उपयोग नहीं करें जिससे मन ठहरता ना हो। अपने शास्त्र पढ़ें। एक बार मेरे पास सज्जन आए, महाराज क्या आप पुराने जमाने में जी रहे हो, ये कोई बात है कि इतने शास्त्रों का इतना बड़ा बैग लेके चलो, इससे बढ़िया एक छोटा सा मोबाइल रख लो, उस मोबाइल में सारे शास्त्र होते हैं, कौन सा शास्त्र चाहिए वो शास्त्र तुरंत खुल जाता है, और दुनिया का इतना वजन नहीं रखना पड़ेगा, इतना वजन रखो इतनी व्यवस्थाएं सब कहाँ, आप एक एक मोबाइल सब महाराजों को दे दो बस। मैंने कहा सलाह तो सही है, मानना भी चाहिए, क्यों भाई चमनलाल जी बताओ, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? अरे भाई तुम्हारे घर में सास रखे रहे कोई बात नहीं, साधु को तो विहार करना पड़ता है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, अब लेकर के इतना वजन चलो, इससे बढ़िया एक सास एक रख लो छोटा सा शास्त्र जिसमें सैकड़ों हजारों शास्त्र एक साथ रहेंगे, बैग में तो 4-6-10-7 शास्त्र ही बनेंगे, उसमें कितने रहेंगे हजारों, और तुम्हारे ही मिलेंगे दूसरों को भी मिलेंगे और भी मिलेंगे सब मिलेगा उसमें, एक चितना सा रखने में क्या दिक्कत है? ये पुराने जमाने की बात भूल जाओ महाराज, एक ऐसा शास्त्र रख लो, बताओ रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? योगी जी बताओ हैं नहीं रखना चाहिए? क्यों भगत जी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? अरे तुम्हारी बात नहीं कह रहे हम अपनी कह रहे हैं, तुम्हारी बात थोड़ी कह रहे हैं, तुम तो वैरागी जीव हम रागी जीव हैं। आप भगत जी कह रहे हैं क्या महाराज ऐसे प्रश्न मत पूछा करो। परिग्रह दुख का कारण है, कोई कितना भी कहे लेकिन
कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुख अंदर से क्लेश होता है। ऐसे साधन पुस्तक आदि का उपयोग करना चाहिए जो पुस्तकें आदि आपके साधना में साधक हैं। प्यारे किमदम कीदृशम कश्य कस्मात के विशेषण क्या है, कैसा है, किसका है, किसके लिए है, ये सारे प्रश्न का जब योगी अपने आत्मा के ध्यान में तलीन होता है, अपने आत्मा में लीन होता है, तो उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। कुछ नहीं, किमदम कीदृशम क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहां से है, इस प्रकार अविशेष्यन विशेष विचार न करता हुआ स्वदेहम अपने शरीर को भी, किसको, अपने शरीर को भी ना वेति नहीं जानता है। ये शरीर को भी नहीं जानता है, जब ध्यान में योगी बैठा है उस समय शरीर के भी क्या हो रहा है वह इसका इसको भी नहीं जानता है। सुकुमार मुनिराज को शालिनी भक्षण करती रही कितने दिन तक, कितने दिन तक, 3 दिन तक। तुम्हारे अगर चेहरे पर मक्खी बैठ जाए यहां तो कितने दिन तक बैठाए रखोगे, हैं? एक मक्खी यहां बैठ जाए कितने देर तक बैठा रख सकते होता हूं, है? अरे कम से कम काट नहीं रही, बैठी तो है, बैठी रहने दो। ओहो सोचो एक मक्खी आकर चेहरे पर बैठ जाए तो तुम्हारा हाथ उठ जाता है, तुम्हारा हाथ उसको हटाने के लिए उठ जाता है, और जिनको सियालनी भक्षण कर रही थी उनका पैर नहीं उठा था, उनका पैर नहीं उठा था, हिला भी नहीं था, बस स्थिर हो गया वो। और 3 दिन तक खाती रही, कितने दिन तक, 3 दिन तक। अब सोचो 3 दिन तक सियालनी भक्षण कर रही हो, कितनी वेदना हो रही होगी, उस वेदना का अनुभव उनको नहीं हो रहा क्या? वेदना का अनुभव भी हो रहा है लेकिन वह उस उपयोग को बदल करके अपने आत्मा में तल्लीन है। वे मुनराज जिनके सिर पर सिगड़ी जला के रख दी गई, पीड़ा नहीं हो रही होगी, सिगड़ी जला के रख दी तब भी कुछ नहीं कहा। बेमुनराज जिनके शरीर पर लोहे के तप्त आभूषण पहना दिए गए, कौन से मुनराज, हैं? 5 पांडव लोहे के तप्त जलते हुए कि लो तुम्हें ये, मैं तुझे सोने के आभूषण पहनाता हूं, और सड़सी से पकड़ करके उनको गले में हाथ में डाल दिए, पूरा शरीर तप्त हो गया। अब बताओ उनको पीड़ा नहीं हो रही होगी, लेकिन अध्यात्म के रस में लीन योगी इन सब चीजों को जानता हुआ भी नहीं जानता है, अपने आप में इतना तल्लीन हो जाता है, इतना गहरा डूब जाता है कि उसको इसका अनुभव ही नहीं होता, अनुभव ही नहीं करता क्या हो रहा है। कदाचित आया थोड़ा फिर चले गए। 5ों पांडवों के शरीर पर जब ये आभूषण पहनाए गए तब सोचो 3 पांडव तो निर्वाण की प्राप्ति हुई और 2 सर्वार्थ सिद्धि गई, 2 सर्वार्थ सिद्धि गए, जिनका मन इस देह से भी हट गया, जिनका मन इस देह से भी हट गया, आत्मा के स्वरूप में तल्लीन हो गया,
ना देही का चिंतन था, ना मोक्ष की प्राप्ति का भाव था, केवल अपने अध्यात्म में लीन थे। ऐसे अध्यात्म में लीन होने के कारण वह निर्वाण की प्राप्ति कर गए। और कहते हैं नकुल सहदेव दो भाई जो थे, उनके मन में इतना सा भाव आ गया कि मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा, उन मुनराजों का क्या हो रहा होगा, बस इतना सा, मैं तो सहन कर लूंगा, उनका क्या हो रहा होगा। इतना सा कुछ क्षण के लिए भाव आया कि स्वयं निर्वाण रुक गया और सर्वा सिद्धि रह गए। और सोचो आत्मा का ध्यान करने में जिनका मन लगा हुआ है, जिनका मन एकाग्र हुआ है, ऐसा योगी ही अपने आत्मा की उपलब्धि करता है। स्वयं भी नावेती योगी योग प्राणा, अपने योग में स्थिर योगी स्वयं भी, यह क्या है, कैसा है, किसका है, कुछ भी उसको अनुभव में नहीं आता है। ऐसे हमको चिंतन करना चाहिए, ऐसे विचार करना चाहिए, अपने आत्मा के स्वरूप में तल्लीन होने के लिए अग्रसर होना चाहिए। संसार में कुछ भी द्रव्य काम आने वाला नहीं है, कोई भी वस्तु हम राग भाव से रख लेते हैं, वह कुछ समय के लिए हमें अच्छी लगती है, उस समय बाद कुछ समय बाद वो ही बेकार लगने लगती है। और हमारा मन उसी में अगर जा रहा है पर वस्तुएं, तो हम क्या करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण आया, एक बार एक बहन जी बाजार गई और उन्होंने देखा एक साड़ी टंगी बहुत सुंदर, पूछा ये कितने की है, तो उनकी 10,000 रुपए की है। कितने की? अब उनने पर्स खोल के देखा, पर्स में रुपए थे 2,000, साड़ी कितने की थी? 10,000 की। उन्होंने दुकानदार से कहा कि ये आप रख लो, अभी हम एक घंटे बाद आते हैं ले जाएंगे। तो दुकानदार कहता है नहीं, ऐसे रखने अपना नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे ग्राहक आते रहते हैं और आप चले जाओगे, आओगे आओगे नहीं आओगे, हम रखे रहे। तो कहते हैं विश्वास रखो मेरा कि हम आते हैं घंटे बाद और इसको ले जाएंगे। और बहन जी ने 2,000 रुपये एडवांस भी दे दिए कि बहन जी एडवांस ले रहे हैं और तुमसे रख भी रहे लग, लेकिन 2 घंटे बाद इस साड़ी को हम बेच देंगे। 1 घंटे का तुमने समय लिया, हम 2 घंटे का समय दे रहे हैं, 2 घंटे बाद इसको हम बेच देंगे, कोई ग्राहक आएगा तो हम बंधे नहीं रहेंगे। तो बहन जी ठीक है, 1 घंटे में आ ही जाएंगे, अब उन क्या दिक्कत है। बहन जी घर गई, घर जा करके उन्होंने अलमारी खोली और उसमें से पैसे निकाले, 10,000 की जगह 20,000 निकाल दिए और अपने पर्स में डाले और घर के बाहर निकल रही थी, इतने में मेहमान आ गए। कौन आ गए? मेहमान आ गए। मेहमान आ गए तो बस आओ साहब, बैठो साहब, चाय पियो, नाश्ता करो। अब चाय नाश्ता हुआ, बैठे रहे, बातचीत होने लगी। अब बहन जी सोचती कि अब बताओ जी कब जाएं और हम मार्केट जाएं साड़ी लें, लेकिन मेहमान ऐसे थे कि वो बैठ के रह गए और रिमोट बगल में रखा था उसका टीवी का, बटन दबा दिया, अब तो नाटक चालू हो गया। कौन सा वाला, कौन सा वाला है? अरे कोई भी मान लो, अनुपमा। हा हा, अब सीरियल चालू हो गया, अब सीरियल देखने लगा, अब बैठे रहे। अब थोड़ी देर बाद बहन जी बोली कि तो अब भोजन करोगे? और कहते अब कर, हाँ कहते भोजन बना लो। और कि ये तो बड़ी टेंशन हो गई, बताओ अब ये भी नहीं कह सकते कि भोजन नहीं करो या तुम बैठो हम भी आते हैं। तो अब उन्होंने भोजन बनाया, भोजन हुआ, सबने भोजन किया, देखते देखते 4-5 घंटे निकल गए। अब बहन जी 4-5 घंटे बाद मेहमान गए, तब बहन जी जल्दी दुकानदार पास पहुंची और दुकानदार से कहा जल्दी साड़ी दो वो, कि बहन जी वो साड़ी तो बिक गई, अब बताओ कैसा लगेगा।
अब दुकानदार ने अगर 100 साड़ी और दिखाई है तो क्या पसंद आएगी? जो चीज हमें पहली निगाह में पसंद आई है वो हट जाए सामने से तो दूसरी चीज फिर वो पसंद आती ही नहीं। वही बढ़िया थी, वही वाली बढ़िया थी। अब बहन जी को खूब साड़ियां दिखाई गई, खूब साड़ियां दिखाई गई, लेकिन बहन जी ने पसंद नहीं आई। दूसरी दुकान पे गए, तीसरी दुकान पे गए, चौथी दुकान पे गए, लेकिन वैसी साड़ी नहीं मिली। 100 दुकानें छान मानी, 2-4 दिन निकल गए, लेकिन वैसी साड़ी नहीं मिली। अब वो साड़ी बहुत अच्छी थी। अब बताओ कैसा लगेगा, बताओ आप लोग बताओ आपका अनुभव क्या कर रहा है? अरे महाराज कुछ भी कहो, बुत साड़ी तो थी, अब भोजन करें तो वो साड़ी की याद आए, कोई काम करें तो साड़ी की याद आए, वो थी ऐसी। अब पति को भोजन परोस रही है तो सब्जी की जगह दाल परोस दी, दाल की जगह सब्जी परोस दी। अब वो कहते मैं हो क्या गया है कि क्या हो गया, वो साड़ी बहुत अच्छी थी वो साड़ी। तो भाई तुम साड़ी लिया भाई, कौन सी अच्छी थी कि अब वो मिली नहीं रही? सारी दुकानें छानवारी पूरी दिल्ली की, लेकिन वैसी साड़ी नहीं मिली। अब क्या करें? अब दिमाग में और टेंशन। 15-20 दिन निकल गए, 15-20 दिन बाद पड़ोस में निमंत्रण था, बहन जी निमंत्रण के लिए गई तो सबको एक एक गिफ्ट दी जा रही थी, एक गिफ्ट। अब बहन जी को भी गिफ्ट दी गई, एक डिब्बा दिया गया। उन्हें डिब्बा थोड़ा सा खोल के देखा तो वही वाली साड़ी थी जो छोड़ के आई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान भोपाल राजेंद्र जैन TI श्रीमती अनीता जैन आकाश जैन कृति जैन प्रिंस जैन पूजा जैन भोपाल संजय जैन मुंगावली संध्या जैन सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।